गुड मॉर्निंग फ्रॉम USA, न्यूयॉर्क। आज का फोरकास्ट बता रहा है कि रात को जो है यहाँ पे बारिश होने वाली है। पीछे से अगर देखें तो अभी हम लोगों ने फ्रेश शॉपिंग की है भाई। सऊदी अरब में जो है ना वो अपने ही मजे थे। जो है फुल टाइम ब्रेकफास्ट का सीन होना है। हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर निकल आए हैं। अमेरिका की जगह गलती से चाइना में आ गया हूँ। चली जा रहे हैं। कौन सी बस दिखा रहा है मैप में? Q20। बहुत घूमे आज फुल डे ही जो है वो मेट्रो में निकल गया और तीन बसेस चेंज करके तो फिर जो है लगा नहीं यार, फिली है यार। मैंने फील नहीं की। मैं 33 स्टॉप थे इस बस के। गुड मॉर्निंग फ्रॉम USA, न्यूयॉर्क। मैं इस टाइम हूँ न्यूयॉर्क के अंदर और आज जो है ये सेकंड डे है मेरा न्यूयॉर्क के अंदर और वेदर जो है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अमेजिंग है। ये बैक पे आप लोग जो अपार्टमेंट देख रहे हैं इसमें मैंने स्टे किया है, रेंट पर यहाँ पे मैंने स्टे किया है और एयरबीएनबी से मैंने ये बुक किया था और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इसका। और विंटर है यहाँ पे, दिसंबर का महीना है और बहुत ही सर्दी है। मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया उस हिसाब से, टोपी और मतलब जैकेट और सब पहन लिया है। मेरा फ्रेंड मेरे साथ है। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। आज का फोरकास्ट बता रहा है कि रात को जो है यहाँ पे बारिश होने वाली है तो हमने ले लिया है अम्ब्रेला वगैरह अपने साथ में। तो आज एक्सप्लोर करेंगे, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। वेदर आप चेक कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट करेंगे। सबसे पहले गैस स्टेशन है यहाँ पे 24 आवर और हॉरर मूवी का एक जो है ना व्यू पेश हो रहा है यहाँ। ये जो पीछे ट्रीज है ना ये अमेजिंग व्यू दे रहे हैं एक हॉरर मूवी की तरह। ये देखें आप लोग कितना ज़बरदस्त है ये सुबह सुबह का व्यू। फ्लैट के अंदर जो चेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली हिल रही थी। पूरे फ्लैट में ये जो विला है, हम पूरे फ्लैट में ऊपर से लेके नीचे तक हम अकेले हैं। पीछे से अगर देखें तो आई डोंट नो कोई भी एक्सेस कर सकता है इसलिए रूम को। चलो लेट्स गो, चलते हैं और खाने पीने का देखना। सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट का जो है ना वो मूड है। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। लास्ट टाइम मैं आया था तो मैं चाइना टाउन जो एरिया है उसमें रुका था, लेकिन इस बार जो है मैं दूसरे एरिया में रुका हूँ और देखते हैं कि क्या मिलेगा खाने को। हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने फ्रेश शॉपिंग की है, बैग जो है वो फुल कर लिया है। सेकंड डे है आज अमेरिका में और सेकंड डे पे ही जो है ना फुल ऑन सिस्टम है और $50 की शॉपिंग की है। हाँ जी हाफिज़ भाई, ब्रेकफास्ट होगा घर में बनाएंगे हम जाके और उसके बाद में डिनर और लंच जो है वो हम देखेंगे स्ट्रेटजी क्या करना है। उसके बाद में ब्रेकफास्ट करने के बाद मैनहट्टन जाएंगे। यहाँ पे जो है ना घर में बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, यहाँ पे फास्ट फूड का जो हलाल और हराम का डिफरेंस यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लिखा होता। हमें तकरीबन एक घंटा लगता है हलाल और हराम फूड का जो है ना सिग्नल खुल गया ढूंढने के लिए। उससे बेहतर ये है कि आप जो है घर में रेडी करो और जो है क्वालिटी ऑफ द फूड जो है ना आपको घर में ही मिलेगी। बिल्कुल ऐसी है, सिग्नल ओपन हो गया, आप जल्दी जल्दी जाएंगे। और भाई सऊदी अरब में जो है ना वो अपने ही मज़े थे। आपने शॉपिंग मॉल से सामान लिया ठीक है और सीधा गाड़ी को सेल्फ मारा और जो है ना आप अपने लोकेशन में पहुंच गए। यहाँ पे इतना भारी जो है यहाँ पे चलना पड़ता है, अमेरिका में कैलोरीज जो है वो फुल बर्न होंगी और $50 का सामान जो है उठा के वजनी भी लग रहा है और पता भी चल रहा है। खैर वेदर जो है बहुत अच्छा है तो जिसकी वजह से एंजॉयमेंट जो है ना वो फुल टाइम है। और भाई इसी के साथ साथ हम लोग खाना लेकर आ गए यहाँ पे जो अपार्टमेंट है उसके किचन में। और किचन में आने के बाद बहुत ही मज़े का जो हाफिज़ भाई उन्होंने बहुत ही मज़े का जो है ब्रेकफास्ट बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है फुल टाइम ब्रेकफास्ट का सीन ऑन है और हाफिज़ भाई ब्रेकफास्ट बना रहे हैं और बाहर जो है मौसम भी बहुत अच्छा है। तो क्या बनाया हाफिज़ भाई आज आपने? हम एग रोस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और तरी चेक करवा दे इनको, मसाला चेक करवा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही अमेजिंग। और फुल टाइम देखें जी अंडे भी हैं इसमें और ये किचन है, ऊपर कैबिनेट्स हैं और नीचे ये पूरा छोटा सा किचन है अपार्टमेंट का। हाँ जी, और हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर निकल आए हैं और बाहर आने के बाद जो सीन है ना वो बड़ा ही अलग किस्म का है।
और यूएस आने के बाद साथ में अम्ब्रेला भी लेकर आनी पड़ी। फार्मर्स मार्केट, फार्मर्स मार्केट तो यार यहाँ पे तो है, वेजिटेबल्स भी हैं, सारा कुछ है, ये ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो अच्छा मिला है, वो जो था ना वो, अब वो ठीक है, वहाँ पे हलाल फूड भी था सारा कुछ, तो शान के मसाले भी थे, नेशनल शान। हाँ जी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मैनहट्टन और क्वींस की तरफ। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद हम लोगों ने मेट्रो में बैठ के, सबवे में बैठ के हम लोग आ गए हैं चाइना टाउन में। और ये जो बैक पे एरिया देख सकते हैं आप लोग, ऐसा लग रहा है कि मैं अमेरिका की जगह गलती से चाइना में आ गया हूँ। और हर तरफ जो है ना चाइनीज़ ही चाइनीज़ हैं बिल्कुल, और आप लोग मेरे बैग पर देख सकते हो। यहाँ से चाइना टाउन से आगे जो प्लान है वो ब्रुकलिन जाने का है। ब्रुकलिन में बेसिकली जो है ना देसी कम्युनिटी जो है पाकिस्तानी, वो वहाँ पे है, और देखता हूँ वहाँ पे जाके क्या सीन है। यहाँ आके ऐसा फील हो रहा है कि ये बिल्कुल हम लोग चाइना में आ गए हैं, और हर चीज़ जो है ना वो चाइनीज़ में लिखी हुई है, और सारे के सारे शॉप्स जो है ना चाइनीज़ में हैं। और जा रहे हैं अभी हम लोग ब्रुकलिन में, और जो देसी कम्युनिटी है पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर जा रहे हैं, और वेदर बहुत अच्छा है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। कैसा चल रहा है आज का दिन, सेकंड डे? आज का दिन जो है यूएसए अमेजिंग जा रहा है, बहुत अमेजिंग जा रहा है, फुल टाइम एंजॉयमेंट है। चली जा रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, देखते हैं लोकेशन। कौन सी बस दिखा रहा है मैप में? Q20। और Q20 जो है ना वो हम लोग बस देख रहे हैं कि Q20 कहाँ है, और Q20 पे जाना है। यहाँ पे ऐसे बंदा बना आएगा वाइट कलर का, तो इसका मतलब सिग्नल ऑन है, क्रॉस करना है। फाइनली जो है अंधेरा होने वाला है, शाम का टाइम हो गया, और बहुत जो है सबवे मेट्रो जो है इसकी न्यूयॉर्क की, उसमें बहुत घूमे आज। आज फुल डे ही जो है वो मेट्रो में निकल गया, और ये आप देख सकते हैं कि शॉप है, इसमें क्रिसमस का लगा हुआ है, और ये ऑफिस साहब हैं पीछे। हल्की हल्की बारिश हो रही है, और ये जो है स्टॉप है मेट्रो का, यहाँ बैठते हैं, तो यहाँ बैठ के जो है ना बस का वेट करते हैं। अब है Q55, इसको फॉलो करना है, और तीन बसेस चेंज करके तो फिर जो है अपार्टमेंट है वहाँ पे जाना है। ब्रुकलिन से हमारे अपार्टमेंट तक 2 आवर्स की जो है वो राइड है। हमने वो जो सामने आ रही है ना बस सिग्नल के ऊपर है, उसमें जो बैठ के तो जाना है। कहाँ पे बैठे हैं आप? हम सबवे पे बैठे हुए हैं, 2 घंटे की राइड है यहाँ से। हमारा जो अकोमोडेशन है, जो अपार्टमेंट है जो हमने लिया हुआ है, टाउन टाउन से 2 घंटे की राइड पे हम जा रहे हैं सबवे पे। अगर हम अपनी ओबर करवा के जाते हैं तो तकरीबन 40-30 मिनट लगते हैं। पैसा भी अच्छा लग गया था, पैसा मेरे हिसाब से अभी हमारा सिर्फ यहाँ से $3 लगेगा, $3 पर डे। कितना पड़ रहा है? $35 हमने लिया था, सात दिन की राइड थी, अनलिमिटेड राइड, $7 पर डे, जिसने अनलिमिटेड राइड मिली, और वो लेकर अब हम लोग पूरा का $5 पर डे अनलिमिटेड राइड, यानी हम सुबह से लेके सबवे पे खुआ रहे हैं $5। अगर हम सिंगल राइड लेते तो ईच राइड जो है ना $3 की मिली ईच राइड मेट्रो बस में। और मेट्रो बस में हम लोग जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पे हमने स्टे किया एयरबीएनबी का। बहुत जो है ना टायर्ड हो गया हूँ, और इस टाइम जमैका स्टेशन के ऊपर हूँ न्यूयॉर्क में, और साथ में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है ना ये सबवे स्टेशन है, और वो पीछे जो है मेट्रो नहीं बल्कि सबवे ट्रेन आ रही है। सामने देखें, वो सामने ट्रेन आ रही है, और ये ट्रेन के ट्रैक्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि ट्रेन आ रही है। टोटली लोहे के ट्रेन के ट्रैक हैं, और लोहे का सिस्टम है। और यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं, और कुछ लोग खड़े हैं वहाँ पे, और साथ में बारिश हो रही है। मैंने देखा हमने मिला था? हाँ। नहीं यार, मिली है यार। मैंने फील नहीं की, मैं वीडियो बना रहा था। खैर घर जा रहे हैं, और अंधेरा हो गया, तो अंधेरे से पहले घर पहुंचना चाहिए। बस से बाहर निकल आए हैं, और
33 स्टॉप्स थे इस बस के, और इसके अलावा भी दो बसेस चेंज की, और ये सब चेंज करके यहाँ पे अपार्टमेंट के पास पहुँचे, और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग गए अपार्टमेंट के पास पहुँचने में, और अभी भी 5-10 मिनट की लाइक वॉक है अपार्टमेंट के लिए। स्टोर में आए हैं, यहाँ पे एक फ़िश देखना है, सॉकेट देखते हैं यहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता। भाई वो जो फ़िश सॉकेट था ना, वो यहाँ से नहीं मिला। और फाइनली वो लड़की कहती है कि वॉलमार्ट पे जा गए आप, वॉलमार्ट से मिल जाएगा, लेकिन अब वॉलमार्ट यहाँ पे कहाँ से ढूंढें, वॉलमार्ट तो दूर दूर तक कहीं पता नहीं है। तो रूम पे चलते हैं, रूम के सामने वहाँ पे एक देसी है अपना, इंडिया से आई गेस, तो उससे पूछते हैं शायद उसके पास मिल जाए। सामने जो है एक पेट्रोल पंप है मेरे बैग पे, गैस स्टेशन बोलते हैं ये यहाँ पे पंप को। और इसी के साथ इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड करूँगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक न्यू दिन के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।